वो भी ऐसे ही इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हाइड्रो ट्यूब, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज मेजर करता था, ये जो है आपका, ये डिस्चार्ज मेजर नहीं करेगा, ये आपका वेलोसिटी मेजर करेगा, डायरेक्टली वेलोसिटी मेजर करेगा, मेजर्स वेलोसिटी। अब बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, और जनरली जो है ये ओपन चैनल में यूज किया जाता है ना, मतलब नहर वगैरह नदी में जो पानी फ्लो करता है, तो किसी जगह पे आपको जानना है कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, तो उसके लिए ये यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम ऐसे जानते हैं कि मानते हैं कोई, मान लीजिए कि पाइप, ये पाइप फ्लो में भी यूज होता है और ओपन चैनल में, मतलब नहर वगैरह में भी यूज होता है, पाइप में भी। इसको ऐसा इसका डेरिवेशन होता कर रहे हैं कि दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो कोई पाइप है जिसमें पानी जो है फुल नहीं है, मान लो यहीं तक पानी है, तो नहर का ही केस ऐसे ही हो गया, जब टच हो जाता, टाइट हो जाता था, तब ना ये पाइप फुली पाइप होता है ना। अभी मान लो कोई ऐसा पाइप है जिसमें पानी फुल नहीं हो रहा, कुछ दूर तक ये गैप है ना, इतना ही तक पानी है ये, ठीक है, और इसमें फ्लो हो रहा है पानी का। तो पाइटो ट्यूब जो है एक जो है राइट एंगल पे मुड़ा हुआ दो पाइप होता है, ऐसा पाइप होता है, ठीक है। अब आपको मेजर करना है कि यहाँ पे नदी की इस गहराई पे आपको जानना है कि यहाँ पे कितना कितना वेलोसिटी होगा, या जानना है कहीं यही ऊंचाई पे यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा, या एकदम नीचे में कितना वेलोसिटी होगा। तो आप इसको घुसाइएगा वहां पे, उस जगह पे डालिएगा, तो आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। आप कैसे मेजर करेंगे इसका, ये है कि नदी में जो है फ्लो हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी है, मान लो इस पॉइंट पे नदी के अंदर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के साथ ये वी वेलोसिटी के साथ जो है ये नदी आगे बढ़ रहा है, हर जगह पे वेलोसिटी है, इस जगह पे कुछ होगा, इस जगह पे कुछ होगा, इस जगह पे कुछ होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पाइप डालोगे तो ये वाला जो फ्लूड है ये इसमें इन करेगा, और ये इसके पास रास्ता ब्लॉक रहेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठ सकता है, ये कुछ हाइट तक ऊपर उठता है, मतलब यहाँ तक ऊपर उठेगा इस जगह तक, है ना, उसके बाद वो रुक जाता है, ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो एक बार ये उड़ गया और उसके बाद से रुक भी गया, तो अब तो इसके अंदर जो पानी घुसेगा वो रुका ही रहेगा, ये घुसेगा ही नहीं, ये पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद पानी घुसेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो है ना, ये चीज समझ सकते हो आप लोग कि एक बार इस अभी अगर अगर ये वेलोसिटी के साथ नहीं होता तो यहाँ पे ऐसा चीज डालते हैं तो पानी इसमें इन करता। अगर ये स्टैटिक केस होता, जैसे हम लोग मैनोमीटर इस समय पढ़ रहे थे याद रख, इसमें स्टैटिक था तो इसमें पानी इन करता और यहाँ यहीं तक रह जाता, जो इसका पानी फ्लूड का लेवल है ना, जितना यहाँ पे प्रेशर होता उतना ही के बराबर इधर यहाँ यहीं तक रह जाता, लेकिन चूंकि इसके पास वेलोसिटी था, काइनेटिक एनर्जी था, उस एनर्जी की वजह से ये ऊपर तक उठ गया, नहीं ऊपर तक एक लिमिट तक ही उठेगा, उसके बाद वो नहीं उठ पाता है। तो उस वजह ये होता है कि इसके ऊपर तक तो उठ गया था, उसके इसके उठने के वजह से भी तो ये प्रेशर जनरेट होने लगा, इसका हेड नीचे तक घटने लगा, तो यहाँ पे बहुत प्रेशर होने लगता है ना। तो अब उतना और इसके पास प्रेशर होगा तब तो उसको उठा पाएगा, उतना वेलोसिटी होगा था ना। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो रहा है, जितना प्रेशर काइनेटिक एनर्जी आप इधर लगा रहे हो उतना प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर प्रेशर जनरेट हो जा रहा है ना, वेलोसिटी यहाँ पे इन करते ही वेलोसिटी डूब जा रहा है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जा रहा है, तो वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जा रहा है उसी एनर्जी के वजह से, नहीं तो ये इतना उठता नहीं ऊपर तक, ये उठा जो है और उठ के ये प्रेशर यहाँ पे जनरेट करवा दिया, तो क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी था और वो जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से समझते हैं कि कैसे ये सब चीज़ कैसे हुआ, कितना हाइट पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट, मान लो ये पहला पॉइंट हम लोग बर्नौली के लिए, ये पहला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है हम लोग का ये दूसरा पॉइंट है ना, ये जो है पॉइंट दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हम बर्नौली लगाते हैं, ठीक है। अप्लाइंग अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हम लोग वही जो इक्वेशन होता है उदम जो रटा हुआ है, P1 by W plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by W plus V2 square by 2G plus Z2, है ना। यहाँ पे भी Z1 Z2 बराबर है, दोनों दोनों जो पॉइंट है ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, तो कोई इन दोनों के बीच में हेड का जेड का डिफरेंस नहीं है, तो हेयर Z1 is equal to Z2 है, तो इन दो ये दोनों जो है कट जाएगा, है ना, कट गया। तो हम लोग का बच गया P1 by W plus V1 square by 2G plus is equal to P2 by W plus V2 square by 2G।
अब इसमें देखिए ये जो है यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना का प्रेशर होगा, जितना इसका हाइट होगा यहाँ पे, ये हाइट जितना होगा इतनी के बराबर में प्रेशर होगा। तो मान लो कि ये हाइट एच रहा होगा, और इस टू पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, जितना यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पूरा हाइट रहा होगा उतना के बराबर होगा प्रेशर, है ना। प्रेशर की सिर्फ बात होगी, प्रेशर हेड इस पॉइंट पे प्रेशर हेड होगा कि यहाँ पे जितना इसके ऊपर प्रेशर हेड हाइट है, और इस पॉइंट पे उतना ही प्रेशर होगा जितना इसके ऊपर हाइट है। तो मान लो कि इतना हाइट एच है और ये जो है एच के अलावा इतना एक्स्ट्रा उड़ गया है, तो ये जो है एच प्लस स्मॉल एच कर देते हैं, है ना। इतना जो एक्स्ट्रा उड़ गया ये स्मॉल एच के बराबर है, तो टोटल ये वाला जो हो जाएगा वो एच प्लस एच हो जाएगा, है ना, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। ठीक है, मतलब इसके बीच में इसके बीच में टोटल एच का डिफरेंस हुआ, है ना, डिफरेंस एच के बराबर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं। तो ये पी वन बाई डब्ल्यू का मतलब हुआ पहले पॉइंट पे प्रेशर हेड, तो पहले पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना है, ये एच के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग एच लिख देते हैं, कैपिटल एच प्लस वी वन मतलब पहले जगह पे वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे तो वेलोसिटी है, इसको हम लोग लिख देते हैं, वेलोसिटी की जगह पे सिर्फ वी लिखते हैं, वी स्क्वायर बाई टू जी, क्योंकि वेलोसिटी यहीं पे है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, है ना, तो वहां पे जीरो लिख देंगे। पी टू मतलब दूसरे जगह पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना है, एच प्लस एच, मतलब एच तक तो था ही, थोड़ा सा और बढ़ गया, ये स्मॉल एच बढ़ गया ना, एच प्लस एच, ये यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर हेड है ना, पी टू बाई डब्ल्यू है, प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी। तो यहाँ पे इस जगह पे कोई वेलोसिटी है, यहाँ पे तो जाकर रुक जाता है पानी, कोई वेलोसिटी नहीं तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो ये इस एच से ये एच जो है कट जाएगा, है ना, ये दिख रहा है, ये कैपिटल एच यहाँ पे, ये कैपिटल एच यहाँ पे भी है, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू स्मॉल एच, है ना। तो यहाँ पे इससे वी निकल के आ जाएगा कि वी स्क्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा, तो वी स्क्वल टू हो जाएगा वी स्क्वल टू रूट टू जी एच, है ना। तो सिर्फ ये जान के कि इसके इसके लेवल का डिफरेंस क्या है ना, तो ये जान के एच जान के जी तो 9.81 पता ही है, दो पता ही है, उसको रूट कर देना है। तो सिर्फ ये जान के कि इसके और इसके बीच में क्या लेवल का डिफरेंस है, ये वाला एच सिर्फ जान के हम कहीं पे भी पाइटर ट्यूब ऐसे लगाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि वहां पे कितने वेलोसिटी में जो है कोई भी फ्लूड फ्लो कर रहा है ना। ये बहुत आसान है वेलोसिटी मेजर करने के लिए, सिर्फ किसी एक खास जगह पे नदी के अंदर, नहर के अंदर, है ना, या पाइप के अंदर भी, तो अगर जानना है वेलोसिटी तो ये बहुत इजी है ना, और सिंपल फॉर्मूला है रूट टू जी एच, ये लगाना है हमको, वेलोसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अगर ये पाइप फुल भी होता, मान लो कि ये पाइप फुल होता, यहाँ पे पूरा पाइप फुल होता, बहुत अंडर प्रेशर फ्लो होता, तो इस पॉइंट पे हेड जानने के लिए क्या होता कि हम यहाँ पे भी एक मैनोमीटर लगा देते, उसका कुछ हाइट होता, है ना, जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है एक मैनोमीटर टाइप का, है ना, इसका अपना हाइट है, यहाँ पे भी अपना इसका कुछ हाइट होता, तब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता उसको हम एच बोलते, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ऑलरेडी ये एक मैनोमीटर लगा हुआ है, तो इसलिए वैसा नहीं बता के ऐसा बताया गया, क्योंकि ये इससे दोनों का सेंस आ रहा है कि नहर भी हो सकता है क्योंकि पाइप फुल तो है नहीं, है ना, या नदी भी हो सकता है, और ये थोड़ा सा पाइप में कम पानी है तो वैसा होता है ना, तो ये दोनों का सेंस भी समझ में आ गया कि, और दोनों जगह यूज भी कर सकते हैं, ये भी बात समझ में आ गया, है ना। तो ये जो है वी इक्वल टू रूट टू जी एच, ये जो हम लोग को निकल के आ गया। अब इसमें भी जो है कि जो ये जो निकल के आया ये है वी थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल वेलोसिटी है ना, ये हम लोग ने थ्योरी के हिसाब से निकल के आया कि इतना होगा, ये थियोरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल में वेलोसिटी इतना नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, इसको वी थियोरेटिकल वी टी एच बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी कितना होगा, वी एक्चुअल जो होगा वो होता है सी डी इस जगह, सॉरी उसमें सी वी था ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज था, यहाँ पे सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू वी थियोरेटिकल, है ना, थियोरेटिकल से तो गुना कर देंगे, सी वी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी वी जो है, सी वी इंटू वी टी एच हम लोग का निकल के आया है रूट टू जी ए, तो सी वी रूट टू जी ए, है ना, तो एक्चुअली में सी वी इंटू रूट टू जी एच के बराबर का होगा, सी वी का वैल्यू कुछ होगा, है ना, थोड़ा बहुत 0.9, 0.98, 0.97 ऐसा कुछ करके कुछ होगा, थोड़ा सा कम होता है जो थियोरेटिकल जो हम लोग समझते हैं उससे थोड़ा सा कम होता है, तो हम लोग जो है आसानी से ये जो है इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका भी जो है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, कोई पूछेगा इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बर्नौलीज इक्वेशन ही है ना, बर्नौलीज इक्वेशन है इसका, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो है बर्नौलीज इक्वेशन है। इसका पार्ट्स क्या क्या हैं, एक ही पार्ट्स है बस, कि पाइप बेंट बेंड्स एट 90 डिग्री, है ना, बस वही एक पाइप है जो बेंड 90 डिग्री पर बेंड है, इसका हम लोग यूज करते हैं, है
है ना, ये वर्क कैसा करता है कि किस बर्नौलीज़ इक्वेशन में भी किस मतलब इसका सेंस क्या है वर्किंग करने का, कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू प्रेशर एनर्जी, है ना, इस प्रिंसिपल पे ये मतलब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए लिख दिए हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू प्रेशर एनर्जी, तो इस पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसको इतना डिटेल में भी सब जानने की जरूरत है, सब बस ये पूछा जाता है कि है क्या, जानना चाहिए कि कैसे है, इतना इस पे न्यूमेरिकल, ये हालांकि ये भी सब कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, लेकिन कुछ लोग को देख के लगेगा अरे बहुत तो टफ चीज लिखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल इक्वेशन लिखा गया तुरंत ही कन्वर्ट होकर आ गया, है ना। तो ये सब जानना चाहिए हम लोग को, बटर टिप क्या होता है, उसके पार्ट्स कैसे होते हैं, तो प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है ना, ये इसका ये वैल्यू जो आया रूट 2 GHG कैसे आया, तो ये सब हम लोग को जानना चाहिए, है ना। तो होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें पैटर ट्यूब में। ठीक